हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम डिस्कवर कर रहा था क्रिश्चियन डी डुबे ने और अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर रहा था निकोल्स ने। लाइसोसोम का मतलब होता है ब्रेक डाउन या डाइजेशन, या सोमा का मतलब बॉडी। डेफिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग बना लेना। अक्रेंस एबसेंट रहता है प्रोकैरियोट्स में और प्रेजेंट होता है इन आल यूकैरियोट्स में। शेप जो है स्फेरिकल इन शेप रहती है और इरेगुलर शेप देखने को मिलती है प्लांट रूट के टिप सेल में। साइज़ की बात करें तो 0.228 UM इसका साइज़ रहता है। लार्ज नंबर ऑफ लाइसोसोम हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, जहाँ पे इंट्रासेलुलर डाइजेशन एक्टिविटी ज़्यादा हो, एग्जांपल के लिए WBC ऑफ द ब्लड सेल। अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें तो हमें लिमिटिंग मैम्ब्रेन और मैट्रिक्स देखने को मिलता है। अगर हम इसकी मैम्ब्रेन स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर हेड और टेल रीजन देखने को मिलते हैं और ये बाईलेयर्ड शीट रहती है या फॉस्फेट बायोलिपिड लेयर की बनी होती है। अब हम देखेंगे एक सेल में जो है लाइसोसोम की फॉर्मेशन कैसे होती है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल्स निकल रही हैं वो अटैच होंगे सिस फेज ऑफ गोल्जी बॉडी के ऊपर और यहाँ से मॉडिफिकेशन पैकेजिंग होती है गोल्जी बॉडी में और ये मॉडिफिकेशन पैकेजिंग होने के बाद ट्रांसफेज से सीधा निकलती हैं बाहर। ये वेसिकल्स हैं, ये वेसिकल जो हैं स्पेशल टाइप की वेसिकल की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे और वो स्पेशल टाइप की वेसिकल जो हैं प्राइमरी लाइसोसोम बनाती हैं और साथ में जो हैं स्पेशल टाइप की जो वेसिकल्स हैं वो हमारे वैक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। वैक्यूल में प्लांट सेल में देखने को मिलता है। जो लाइसोसोम होती हैं उसमें रिच अमाउंट ऑफ हाइड्रोलिटिक इंजाइम प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोलिटिक इंजाइम को हम हाइड्रोलाइज भी कहते हैं। ये हाइड्रोलाइज या हाइड्रोलिटिक इंजाइम कैसे बनते हैं यहाँ पर हम देखेंगे। ये है प्रोटॉन, ये है सेल और सेल में है प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप के थ्रू ही हाइड्रोजन प्लस आयन जो है बाहर इनके कंसंट्रेशन जा रहा है और अंदर आएंगे। जब ये अंदर आएंगे तो इसकी एसिडिक नेचर जो है बढ़ जाएगा। एसिडिक नेचर बढ़ने की वजह से इसका पीएच लेवल जो है लो हो जाएगा। लो पीएच लेवल की वजह से ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं और हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है ये मैक्रोमोलिक्यूल्स या किसी भी मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का काम करते हैं, ब्रेक करने का काम करते हैं। देखिए सच एज लाइपेज, यानी कि लाइपेज को तोड़ने के लिए लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज, प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीनेज, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए अमाइलेज और न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए ब्रेक न्यूक्लिक एसिड। अब हम देखेंगे कैसे ये लाइसोसोम जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ये हमारे पास जो वेसिकल आई हैं, ये वेसिकल जो हैं ये स्पेशल टाइप के जो हैं लाइसोसोम की फॉर्मेशन करती हैं और वेसिकल से ही जो है लाइसोसोम की फॉर्मेशन होती है। ये जो फर्स्ट वेसिकल या फर्स्ट जो है मॉडिफाई या स्पेशल टाइप की वेसिकल होती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम जो किसी मैक्रोमोलिक्यूल या फॉर्जिन मोलिक्यूल के साथ हम इसकी फ्यूज़न करवा देते हैं तो बन जाता है हमारा सेकेंडरी लाइसोसोम या फैगोसोम। ये है हमारा फैगोसाइटोसोम या कोई भी मेम्ब्रेन के अंदर मटेरियल है, फूड मटेरियल है, इसे हमने डाइजेस्ट करना है तो इन दोनों की फ्यूज़न करवा देंगे और फ्यूज़न करवाने के बाद ये जो है डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। कुछ जो मटेरियल जो है सेल में डाइजेस्ट नहीं होगा वो जो है रेजिड्यूल बॉडी में आ जाता है और ये अनडाइजेस्टेड मटेरियल या कुछ बचा खुचा पार्ट रहता है फूड का। एग्जांपल के लिए ये हमारे पास ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया ये यूज़लेस है, हमने इसको जो है डिस्ट्रॉय करना है सेल में से। और तो क्या करेंगे हम, जो हमारे पास जो प्राइमरी लाइसोसोम है इसको हम इसके साथ प्राइमरी लाइसोसोम और इस माइटोकॉन्ड्रिया की हम फ्यूज़न करवा देंगे। फ्यूज़न करवाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी और डाइजेस्ट हो जाएगा कुछ मटेरियल और कुछ जो है अनडाइजेस्ट फॉर्म में बच जाएगा, उसे हम रेजिड्यू बॉडी में भेज देते हैं। लाइसोसोम आर अ पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक यानी कि ये चार टाइप को शो करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या रेजिड्यूल बॉडीज और ऑटोफैगोसोम। सबसे पहले प्राइमरी में क्या हुआ, कैसे जो है वेसिकल से गोल्जी वेसिकल से जो है प्राइमरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन होती है, ये इनएक्टिव फॉर्म में ये एंजाइम रहते हैं। सेकेंडरी में जो है डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है प्राइमरी और जो अदर फॉर्जिन मॉलिक्यूल हैं इनकी फ्यूज़न होती है। फ्यूज़न होने के बाद डाइजेशन शुरू होती है। डाइजेशन शुरू होती है यानी कि कोई भी एंजाइम जो है एक्टिव फॉर्म में है
और प्राइमरी लाइसोसोम को हम फैगोसोम भी कहते हैं। और रेजिड्यू बॉडी यानी कि अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो कि सेल में रहा है या ये सेल में कभी कभी बाहर भी निकल जाता है, बाहर निकलता है तब हम उसे कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, या कभी कभी जो है सेल के अंदर ही रहता है और ये जो है ये कॉज करता है एजिंग या लिपोफैचिंग ब्राउन इजनिंग पिगमेंट, यानी कि जब ये सेल के अंदर ही स्टोर हो रहा है और कुछ टाइम ऐसा आएगा जब ओल्ड एज हो जाएंगे तब ये ही जो है आपकी डेथ का कारण बनेगा। ऑटोफैगोसोम यानी कि ये अपने आप को ही खाने लगे, जब ऑर्गेनल्स सेल अपने ही ऑर्गेनल्स या को खाने लगे तब हम कहते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोफैगोसोम ईट सेल्फ मॉलिक्यूल, अपने ही मॉलिक्यूल खाने लगे या बने ओल्ड ऑर्गेनल्स या पुराना हो जाए सेल। एंड ऑर्गेनल्स ड्यूरिंग द मेटामॉर्फिसिस या लार्वल डेवलपमेंट में कुछ चेजेस या वैन द मटेरियल और जो पैथोजन है ये इनमें आ जाए या आउटसाइड ऑफ द फैगोसाइटोसिस एंड देन दे आर जस्ट बाई द फॉर्मेशन ऑफ फैगो ऑटोफैगोसोम। ऑटोलिसिस यानी कि ये हमारा ओल्ड सेल है और ये यूजलेस है, हमने इसे डिस्ट्रॉय करना है या इसे ख़त्म करना है। तो क्या होगा, जो हमारा प्राइमरी लाइसोसोम है इसके साथ हम इसकी फ्यूज़न करवा देंगे और हमारे पास सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाएगा। सेकेंडरी लाइसोसोम डाइजेशन शुरू हो जाएगा और अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है रेसिड्यूल बॉडी में पहुंच जाएगा। ऐसा हम कुछ जो है पिछले केसेस में कर रहे थे। अब ऑटोलिसिस में क्या होगा, यानी कि सेल्फ डाइजेशन, सेल जो है अपने आप को ही खाने लग जाएगा। सेल जो है सेल जो ये जो लाइसोसोम है ये इंटर करेगा सेल में और ये सेल में फट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा सेल में। एक सेल का जो है सेल का नेचर जो है न्यूट्रल रहेगा और इससे एक लाइसोसोम से इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या है, काफ़ी ज़्यादा जो है लाइसोसोम रैप्चर हो जाएंगे और ये फट जाएंगे और सेल जो है सेल की डाइजेशन शुरू हो जाएगी और सेल जो है बर्स्ट हो जाएगा। इसीलिए जब सेल ही जो है ये सेल को पूरे को खा लेते हैं या डाइजेस्ट कर लेते हैं या बर्स्ट कर देते हैं या रप्चर कर देते हैं उसे हम कहते हैं सुसाइडल बैग। ऑटोलिसिस को ही हम सुसाइडल बैग कहते हैं या एटम बम भी कहते हैं, क्योंकि जब जो सेल जो है सेल्फ डाइजेशन करना शुरू कर दे, ऐसे सेल जो कभी नहीं मरते हैं उन्हें हम कैंसर सेल कहते हैं या अमर सेल कहते हैं, वो कोस करते हैं कैंसर सेल।